नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वे आज सुबह कटरा स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन व पूजन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू के राजौरी में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद गृहमंत्री जम्मू के कनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के साथ ही जनहित विभिन्न घोषणाएं कर सकते हैं। अमित शाह के दौरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। लखनपुर से लेकर कश्मीर तक लगभग 100 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है। सीमा क्षेत्रों से लेकर शहरों तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले कल जम्मू में राजभवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सिख और राजपूत समुदाय के लोग शामिल थे। डोगरा समाज के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री से भेंट कर महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने के निर्णय पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय का स्टार्टअप मंच हर स्टार्ट का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में शिक्षा और जनजातीय विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगी। इससे पहले कल शाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि गुजरात के लोग अपने कठिन परिश्रम, समर्पण और समाज सेवा को लेकर दुनिया भर में जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राज्य में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी। 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स बिलासपुर में 18 स्पेशलिटी, 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तर की व्यवस्था है। एम्स बिलासपुर में हर साल MBBS कोर्स के लिए 100 छात्रों और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पिंजौर से नालागढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर 1690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 31 किलोमीटर लंबी परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। NH-105 पर पिंजौर से नालागढ़ की सड़क परियोजना अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला और शिमला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की ओर जाने वाले यातायात के लिए एक प्रमुख संपर्क कड़ी है। प्रधानमंत्री नालागढ़ में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखेंगे। वे बंदला में गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रदेश की अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कुल्लू दशहरा समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समारोह में पहली बार भाग ले रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश 6 से 7 अक्टूबर तक इंडोनेशिया के जकार्ता में होने वाले 8वें G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर गुजरात के सौराष्ट्र और मारवाड़ी विश्वविद्यालयों का दौरा कर छात्रों, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और शिक्षाविदों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा राजधानी नई दिल्ली के INA स्थित दिल्ली हाट में स्फूर्ति मेले का उद्घाटन करेंगे। KVIC के अध्यक्ष सहित कई गणमान्य अतिथि हिस्सा लेंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी 90वें वायुसेना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रख रही है। मुलायम सिंह यादव को सांस में तकलीफ की शिकायत के बाद शनिवार को भर्ती कराया गया था। सपा संरक्षक को पहले प्राइवेट वार्ड में रखा गया था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें ICU और फिर क्रिटिकल केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर जेल विभाग के DG हेमंत कुमार लोहिया की हत्या कर दी गई है। जम्मू के उदयवाला इलाके में हुई इस वारदात के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि डीजी हेमंत लोहिया का घरेलू सहायक फरार है, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। एचके लोहिया 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। सीबीआई ने पिछले साल हुई आईआईटी जेई परीक्षा में कथित हेरफेर के मामले में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक बड़ा हैकर है। सीबीआई के मुताबिक जेई परीक्षा में हेरफेर मामले की जांच में पता चला है कि रूसी नागरिक इस परीक्षा घोटाले का मुख्य आरोपी है। इससे पहले इस घोटाले में सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के 5 नेताओं को आज पेश होने का समन भेजा है। इन नेताओं में अंजन कुमार, मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी और गली अनिल शामिल हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जब राहुल और सोनिया गांधी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे, तब इन नेताओं ने इसमें डोनेशन दी थी, जिसका विवरण देने के लिए ईडी ने इन नेताओं को समन किया है। कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड को लेकर चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए इससे पहले ईडी ने रविवार को कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिव कुमार को 7 अक्टूबर को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा है। भारतीय रेल ने 500 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट गाड़ियों में बदल दिया है। इसके अलावा 65 जोड़ी रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट ट्रेनी में जोड़ दिया गया है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2022-23 में 84% मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां समय पर चल रही हैं, जो कि 2019-20 की तुलना में 9% अधिक है। भुगतान और वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी फोन पे अब सिंगापुर के बजाय भारत की कंपनी बन गई है। वहीं कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि डोमिसाइल को सिंगापुर से भारत में लाने की योजना की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद फोन पे समूह के कारोबार और कंपनियों पर अब फोन पे प्राइवेट लिमिटेड का मालिकाना हक है। 13 खरब डॉलर की लागत के पीएम मोदी गतिशक्ति मिशन के जरिए भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए पहली पसंद बनने की ओर बढ़ रहा है। इससे डिजाइन, प्रोडक्शन आदि के मौजूदा गढ़ चीन से ये तमगा हथियाने के लिए भारत तैयार है। लिस्टिंग अनुबंधों का उल्लंघन करने पर बाजार नियामक सेबी ने बिरला, पैसिफिक मेडस्पा और यशोवर्धन बिरला समेत 10 कंपनियों पर 3.42 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों पर आईपीओ से हुई आय की चोरी और दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट करने के कारण जुर्माना लगाया गया है। स्टेट बैंक ने चुनावी फायदे के लिए मुफ्त रेवड़ियां बांटने की होड़ पर चिंता जताते हुए इसे टाइम बम बताया है। वहीं साथ ही मुफ्त उपहार का विश्लेषण करने वाली सुप्रीम कोर्ट की समिति को ऐसी कल्याणकारी योजनाओं पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद या कुल कर संग्रह की 1% समय सीमा तय करने का सुझाव दिया गया है। SBI ने कहा है कि राज्यों की आकस्मिक देनदारी तेजी से बढ़कर 2022 में बजट का 4.5% हो चुकी है। इनमें बजट के अलावा लिया उधार, सरकारी संस्थाओं के लोन और इनके लिए सरकारों की गारंटी शामिल है। छोटे निवेशकों की म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए उनके निवेश को और आकर्षक बनाने के साथ उसकी सुरक्षा के लिए भी कई तरह के बदलाव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने पर अब तक महज 3 दिन में आपके खाते में आ जाएगा। भारत के प्रमुख फैशन, सौंदर्य और लाइफस्टाइल गंतव्यों में एक से एक मिंत्रा ने कहा है कि उसके तीसरे और सबसे बड़े बिग फैशन फेस्टिवल के संस्करण में देश भर से रिकॉर्ड 1.2 मिलियन नए ग्राहक आए। वैश्विक दूरसंचार उपकरण विनिर्माता एरिक्सन का मानना है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G अपनाने वालों में शुमार होगा। भारत में ऑफलाइन खुदरा बाजार में स्मार्टफोन की बिक्री 44% बढ़ गई है। वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल को कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने यहां अपने 15वें वार्षिक समारोह में $50,000 मूल्य के ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि दिवालियापन संहिता के तहत किसी अन्य इकाई द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद पूर्व प्रमोटर एक दिवालिया कंपनी में हिस्सेदारी जारी नहीं रख सकते। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन और डिजिटल मीडिया पर अब भी दिखाए जाने वाले सट्टेबाजी के विज्ञापनों के खिलाफ एडवाइजरी जारी की। मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि चूंकि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ गैरकानूनी है, इसलिए इन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन और साथ साथ उनके सैरोगेट विज्ञापन भी गैरकानूनी है।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी व कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि जल्द ही टीयर 2 और टीयर 3 शहर नवाचारों व उद्यमों के केंद्र बन सकते हैं और इन क्षेत्रों में डिजिटलीकरण व कौशल गतिविधियों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जापानी ऑटो कंपनी होंडा अपने इंडियन कार कस्टमर के लिए ड्राइव इन 2022 पे इन 2023 ऑफर लाई है। फेस्टिवल सीजन में 31 अक्टूबर तक कस्टमर होंडा अमेज और होंडा सिटी के किसी भी वेरिएंट को बगैर किश्त चुकाए खरीद सकते हैं। किश्त उन्हें 2023 से चुकानी होगी। एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी इकियो लाइटिंग लिमिटेड अपना आईपीओ लाएगी। कंपनी ने इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के साथ ही नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो गई। चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक स्वेंते पाबो को देने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए दिया गया। पाबो ने आधुनिक मानव और विलुप्त प्रजातियों के जीनोम की तुलना कर बताया कि इनमें आपसी मिश्रण है। आज भौतिकी विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। वहीं बुधवार को रसायन विज्ञान और बृहस्पतिवार को साहित्य के क्षेत्र में इन पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। इस वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार की घोषणा 10 अक्टूबर को की जाएगी। अमेरिका के फ्लोरिडा में आई इयान को आंधी ने काफी कुछ वहां पर बर्बाद कर दिया है। आलम यह है कि फ्लोरिडा की स्थिति सामान्य होने में अभी कई महीनों का समय लग सकता है। फ्लोरिडा में संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। रेस्क्यू टीम फ्लोरिडा में फंसे हुए लोगों की मदद के जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं फ्लोरिडा में आए तूफान इयान से अब मरने वालों की संख्या भी 80 के पार पहुंच गई है। उत्तर कोरिया ने बीते 5 साल में पहली बार जापान पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इस मिसाइल हमले में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक ये मिसाइल उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से दागी है। मिसाइल लॉन्च की रिपोर्ट आने के बाद जापानी सरकार ने नागरिकों को सुरक्षित जगह के लिए चेतावनी जारी कर दी है। नागरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जापान ने उत्तरी जापान में ट्रेन संचालन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। वहीं जापान सरकार ने कहा है कि मिसाइल प्रशांत महासागर में गिरने से पहले जापान के क्षेत्र के ऊपर से गुजरी है, जिसे नष्ट करने के लिए किसी भी रक्षा उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया गया। उत्तर कोरिया जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करता है वो जापान और दक्षिण कोरिया के लिए चिंता का विषय बन जाता है। ज्यादातर इन मिसाइलों का निशाना जापान सागर होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर तेज हिंसक कार्रवाई की रिपोर्टों पर गंभीर चिंता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका ईरानी अधिकारियों पर जल्द ही प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका का कहना है कि महसा अमीनी की मौत के बाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाएगा। गौरतलब है कि हिजाब का विरोध कर रही 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें अब तक कम से कम 130 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में महीने भर पुरानी लिज़ ट्रस की सरकार को विरोध के बीच अपने कदम को वापस लेना पड़ा। सत्ता में आने से पहले कंजर्वेटिव पार्टी में समर्थन जुटाने के लिए ट्रस्ट ने महंगाई से जूझ रही देश की जनता को आयकर में कटौती का आश्वासन दिया था। लिज़ ट्रस ने जैसे ही इस घोषणा के अनुरूप आयकर की उच्चतम सीमा को नीचे किया, बाजार असंतुलित हो गया और सरकार की निंदा का दौर शुरू हो गया। वहीं इस दबाव में आने के बाद लिज़ ट्रस की सरकार ने फैसले को वापस ले लिया है। ट्रस्ट सरकार ने सितंबर में मिनी बजट लाकर आयकर में कटौती का प्रावधान किया था। कंजर्वेटिव पार्टी में ट्रस्ट के विरोधियों ने सरकार पर प्रहार करने में देर नहीं की। इसके बाद वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग ने कहा कि कर की उच्चतम सीमा को कम करने का निर्णय विनम्रता से वापस लिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान न्यायालय की अवमानना के आरोपों में सोमवार को बच गए। पाकिस्तान की एक अदालत ने एक महिला न्यायाधीश को धमकी देने से जुड़े एक मामले में इमरान खान का लिखित जवाब स्वीकार कर लिया और उन्हें जारी किया गया कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ा, जहां मामले की सुनवाई 5 सदस्यीय वृहद पीठ ने की।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। भारतीय टीम को T20 विश्व कप से पहले एक बड़ा झटका लगा है। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप में नहीं खेल पाएंगे। बांग्लादेश के सिलहट में खेले जा रहे महिला एशिया कप के अपने तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम आज संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी। राष्ट्रीय खेलों में सोमवार को खेले गए महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग के भारोत्तोलन स्पर्धा में महाराष्ट्र की कोमल वकाले ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कर्नाटक की BN उषा ने रजत और आंध्र प्रदेश की सत्या ज्योति ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों के डिस्कस थ्रो इवेंट में कृपाल सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की, जबकि गगनदीप सिंह ने रजत पदक और प्रशांत मलिक ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तैराकी के 100 मेडली में सर्विसेज ने स्वर्ण पदक हासिल करने में सफलता हासिल की, जबकि रजत पदक कर्नाटक के नाम रहा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की हेमटाथलन स्पर्धा में स्वप्ना बर्मन ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं मरीना जॉर्ज ने रजत पदक अपने नाम किया, वहीं सौम्या मुरुगन ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। सोमवार को खेले गए महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग के भारोत्तोलन स्पर्धा में महाराष्ट्र की कोमल वकाले ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, कर्नाटक की BN उषा ने रजत और आंध्र प्रदेश की सत्या ज्योति ने कांस्य पदक जीता। रोइंग स्पर्धा के M8 टीम रोइंग इवेंट में सर्विसेज के साथ कड़े मुकाबले में मध्य प्रदेश की टीम ने रजत पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की, जबकि तेलंगाना की टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तैराकी के 4x100 मेडली में सर्विसेज ने स्वर्ण पदक हासिल करने में सफलता हासिल की, जबकि रजत पदक कर्नाटक के नाम रहा। ओडिया सिंगर के भाई विभूति प्रसाद महापात्रा ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से रविवार रात मुरली महापात्रा की उनका निधन हो गया। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ अपनी आने वाली फिल्म फोन भूत में भूत की भूमिका निभाएंगी। यह पहली बार है जब वो किसी फिल्म में भूत का किरदार निभाती नजर आएंगी। ट्रिपलिंग 3 फिर धमाल मचाएगी। चंचल, चितवन और चंदन की तिकड़ी, सामने आया ट्रिपलिंग 3 का दमदार टीजर। चैडविक बोसमैन के बाद हुई नई ब्लैक पैंथर की एंट्री, ट्रेलर में दिखा एक्शन इमोशन का डबल डोज। गायक जावेद अली ने एक नए गीत बेधड़क के लिए अपनी भावपूर्ण आवाज दी है, जिसे इसमें दिखाया जाएगा। और यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। हमें ट्रेड के लिए रशिया और इंडिया और फोकस करना चाहिए लाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज। मैं फ्रांस के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर हम उस क्लेवर डुप्लेक्स को नहीं रोक पाए तो बहुत जल्द इंडिया पर फ्रांस रूल करेगा। इस डबल अटैक के बाद फ्रांस का बचना इम्पॉसिबल होगा। मैं उसे ना ही छोड़ूंगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने कहा है कि वो अपने काम के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो भूमिका को बेहतर ढंग से निभाएं और बार बार सीन को रिहर्स करते हैं। फिल्म द स्टोरी टेलर को 27वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए प्रतियोगिता में चुना गया है, जो 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वन 1 ने अब तक दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए की अच्छी कमाई कर ली है। इसके निर्माताओं ने यह घोषणा की।
निर्देशक बायोपति श्रीनू अभिनेता राम पोथिनेनी के साथ एक फिल्म पर काम करने वाले हैं और जिसे जाने माने निर्माता श्रीनिवास चित्तूरी द्वारा निर्मित किया जाना है। जाने माने दक्षिण भारतीय संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद संगीत मुगल भूषण कुमार के साथ ओपरी नामक एक गैर फिल्मी ट्रैक के साथ हिंदी संगीत उद्योग में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है। माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म मजा मा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 6 अक्टूबर को रिलीज होगी। माधुरी की ये पहली ओटीटी फिल्म है। अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना स्टारर गुड बॉय का निर्माताओं ने घोषणा की है और वहीं फिल्म की टिकट की कीमत पहले दिन ₹150 होगी जो 7 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। अमिताभ बच्चन के साथ गुडबाय में काम कर चुकी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का कहना है कि वो बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ फिल्म करने के लिए आभारी हैं। वीडी सावरकर पर आधारित आगामी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की शूटिंग शुरू हो गई है और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में रणदीप हुड्डा नजर आएंगे। साथ ही इस फिल्म से अभिनेता रणदीप हुड्डा अपने निर्देशन की शुरुआत करेंगे। पावर हाउस के कलाकार रेवती और काजोल फिल्म सलाम वेंकी के साथ 9 दिसंबर को सिनेमाघरों की स्क्रीन पर दस्तक देंगे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।